उत्तर प्रदेश की घोसी से भाजपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़ित युवती की आत्मदाह के मामले में दोषी पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में निलंबित सीओ अमरेश सिंह बघेल की गिरफ्तारी के बाद अब शासन ने एसआईटी जांच में लापरवाही के दोषी पाए गए वाराणसी तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी नगर विकास चंद्र त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है। पूरे मामले में कुछ अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है। भाजपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़ित युवती और उसके पैरोकार ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने आत्मदाह कर लिया था। शासन ने पूरे मामले की जांच के लिए डीसी पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड आर के विश्वकर्मा एवं एडीजी महिला सुरक्षा व बाल सुरक्षा संगठन नीरा रावत की 2 सदस्यीय एसआईटी गठित की थी। एसआईटी की जांच में पर्यवेक्षण में लापरवाही व उदासीनता के दोषी पाए गए एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी, जबकि वाराणसी के तत्कालीन एएसपी विनय कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस देकर 15 दिन में जवाब तलब किया गया था। वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद विकास चंद्र त्रिपाठी वहाँ अपर पुलिस उपायुक्त के पद पर भी तैनात थे। वर्तमान में वह डीजीपी मुख्यालय से संबंध है। विकास त्रिपाठी को एसआईटी ने पीड़ित युवती व उसके पैरोकार युवक की ओर से की गई शिकायतों की जांच में स्थिरता का दोषी पाया गया था। अग्रिम विवेचना के एक मामले में उनके अलग अलग निष्कर्षों को जांच समिति ने उदासीनता व लापरवाही माना था। इससे पूर्व जांच टीम की अंतरिम रिपोर्ट पर बीते दिनों पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर व सांसद अतुल राय के विरुद्ध लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में पीड़ित युवती को आत्मदाह के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। लखनऊ पुलिस ने आरोपित पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया था।